हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबका। आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल स्मार्ट स्टडी एजुकेट्स। आज बच्चों हम लॉज ऑफ मोशन में एक और टॉपिक, मज़ेदार टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है टेंशन। अब देख सकते हैं, अरे ये वो वाली टेंशन नहीं जो इंसानों को होती है बिना बात की होती है, ये वो वाली टेंशन बिल्कुल नहीं है। टेंशन फिजिक्स में एक फोर्स है और ये फोर्स सिर्फ रोप्स या स्ट्रिंग्स के अंदर जनरेट होती है। जी हाँ, टेंशन इज अ फोर्स दैट डेवलप्स इन स्ट्रिंग्स और रोप्स। स्ट्रिंग्स और रोप्स, अब मैंने यहाँ पे डेवलप शब्द का यूज़ किया, इसका मतलब ये फोर्स हमेशा वहाँ पे नहीं होती। आइए समझते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसका कुछ मास है m, और हमने इसको किसी टेबल के ऊपर, फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर रखा हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट के साथ में एक हुक के साथ एक स्ट्रिंग अटैच्ड है, और यहाँ से मैं इस स्ट्रिंग को पुल कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, करेक्ट। जब मैं इस स्ट्रिंग को या जब मैं इस रोप को पुल करूँगा या पुश करूँगा, तभी ये टेंशन फोर्स इसके अंदर डेवलप होगी, नहीं तो नहीं डेवलप होगी। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ऐसा क्यों? आपके फोर्स अप्लाई करने पे ऐसा क्या होता है कि टेंशन फोर्स एकदम से जन्म ले लेती है? आंसर है, आप इस स्ट्रिंग के या इस रोप के मॉलिकुलर स्ट्रक्चर को स्टडी करो। मान लीजिए ये हमारे पास मास है, ये सेम डायग्राम में बना रहा हूँ, बट जो इसके ये स्ट्रिंग है वो कुछ इस तरह से है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का एक समूह है, राइट, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का एक लिंकेज है। मान लीजिए मैंने इस रोप के सिर्फ इतने पोर्शन को जूम किया, राइट, तो ये जो स्ट्रिंग है ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का या एटम्स का एक लिंक है, एक समूह है, एक ग्रुप है। अब अगर आप इस एंड से पुल करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो ये फोर्स लग किस पे रही है? इस इमीडिएट पार्टिकल के ऊपर, क्योंकि आपने यहाँ से इसको पकड़ा हुआ है। अब आप इसको फोर्स लगा रहे हैं तो ये पार्टिकल इधर को जाने की कोशिश करेगा, बट दूसरा पार्टिकल जो स्ट्रिंग का दूसरा पार्टिकल है वो उस पार्टिकल पे ऑलरेडी एक फोर्स लगाए हुए है। कौन सी फोर्स है वो? इंटर पार्टिकल फोर्स। इसका मतलब इन पार्टिकल्स के बीच में ऑलरेडी कोई ना कोई फोर्स लगी हुई है, इंटर पार्टिकल फोर्स। और जब आप उस इंटर पार्टिकल फोर्स के उलट उस पार्टिकल को अपनी तरफ खींचोगे तो ये वाला पार्टिकल चुप थोड़ा बैठेगा, ये उस इंटर पार्टिकल फोर्स का इस्तेमाल करके एक उल्टी फोर्स जनरेट करेगा। उस फोर्स को हम कहते हैं टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स तब एक्ट करती है जब आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। वो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपने कोई पुली से वजन टांग दिया, वो भी एक्सटर्नल फोर्स है, तब भी उस पुली की रस्सियों में टेंशन फोर्स जनरेट हो जाएगी। अच्छा, अब बात आती है, क्या ये टेंशन फोर्स सिर्फ इस पॉइंट पे जनरेट होगी? आंसर है नहीं। आपने जब ये फोर्स लगाई तो ये सभी पार्टिकल्स पे एक के बाद एक लगी, और ये वाला पार्टिकल जो है ये इधर को जाने लगा इस फोर्स की वजह से, बट इस हुक ने इस पार्टिकल को रोका हुआ है और वो इधर को पुल कर रहा है इस रोप को, इस पार्टिकल को, तो इस एंड पे टेंशन फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। टेंशन फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के जिस पॉइंट पे अप्लाई होती है फोर्स, उसके उस पॉइंट से अवे जाती है। ये याद रखने वाली बात है। इस डायग्राम को वर्टिकली समझिए तो और चीज़ें क्लियर होंगी। मान लीजिए आपके पास ये एक रूफ है, इस रूफ से हमने यहाँ पे एक लेट से मास है या एक पुली है, ठीक है, और इस पुली से यहाँ पे ऐसे एक मास लटक रहा है, ठीक है, इस मास का कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेट्स से इट इज स्मॉल m, तो ये मास इस रोप को अपने साथ नीचे खींचना चाहता है, तो इस रोप में जो टेंशन फोर्स जनरेट होगी वो ऊपर को जनरेट होगी, मतलब जिधर अप्लाई फोर्स हो रही है उससे ऑपोजिट। बट इस मास की वजह से ये रोप नीचे आना चाहती है, ये पुली इस रोप को ऊपर को खींच रहा है। ध्यान देना, ये पुली ने इस रोप को नीचे जाने नहीं देना, पुली रोप को ऊपर को खींच रहा है। अगर पुली रोप पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा तो इस पॉइंट पे टेंशन फोर्स जो है वो नीचे को लगेगी, मतलब टेंशन फोर्स हमेशा
दो पॉइंट्स के बीच में इनवर्ड्स को लगती है, इनवर्ड्स एक्ट करती है, एक्ट इनवर्ड्स, टेंशन एक्ट इनवर्ड्स। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक और एग्जांपल है, ये दो ब्लॉक्स हैं, इसका मास है M1 और यहाँ पे एक रस्सी के साथ दूसरा ब्लॉक बंधा हुआ है, इसका मास है M2। हमने इस ब्लॉक पे इधर को फोर्स लगाया F1, इस ब्लॉक पे इधर को फोर्स लगाया F2, तो बताइए रस्सी में टेंशन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। आंसर है, इस फोर्स की वजह से ये ब्लॉक को इधर खींचे जा रहा है, तो ये रस्सी टेंशन फोर्स अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट ये लगाएगी, टेंशन फोर्स, और इस ब्लॉक में फोर्स उधर को लगाई जा रही है लाइक दिस, ऐसे खींचा जा रहा है, तो इस पॉइंट पे टेंशन फोर्स इनवर्ड्स अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट। तो टेंशन फोर्स हमेशा दो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के ऑपोजिट और इनवर्ड्स एक्ट करती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए हमारे पास इस तरह का एक सिस्टम है, ये रूफ है, जिस तरह यहाँ पे ये रूफ थी पुली सिस्टम, ठीक है, इस रूफ से एक पुली है यहाँ पे, यहाँ पे भी आप कोई मास मान लीजिए, यहाँ पे भी टेंशन फोर्स लगेगी, ये टेंशन फोर्स जो है ये ब्लॉक नीचे को जाना चाह रहा है, तो इस पॉइंट पे टेंशन ऊपर को, इस पॉइंट पे टेंशन नीचे को, और ये इक्वल ऑपोजिट तो है बट ये कैंसिल नहीं करेंगी, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पे एक पुली है और यहाँ पे हमारे पास एक पुली और है, और लेट्स से यहाँ पे हमारे पास एक और फिक्स पुली है लाइक दिस, और इस पे ऐसे रोप्स जा रही हैं, लाइक दिस, ठीक है जी। इस पुली के साथ एक मास हैंग किया हुआ है, लेट्स से कितना भी है, 10 किलो, ठीक है, इस पुली के साथ एक मास हैंग किया हुआ है 20 किलो का, और इस पुली के साथ एक मास हैंग किया हुआ है 30 किलो का। अब टेंशन फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होगी, आइए देखते हैं। यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नीचे को है तो टेंशन फोर्स ऊपर को, यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऊपर को है क्योंकि ये पुली रस्सी को ऊपर खींच रही है, नीचे नहीं जाने देना चाहती, तो टेंशन फोर्स नीचे को, यहाँ पे फोर्स पुली ऊपर को लगा रही है तो टेंशन फोर्स नीचे को, मतलब अवे फ्रॉम दी बॉडी, आप ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पे टेंशन फोर्स ऊपर को, यहाँ पे भी टेंशन फोर्स ऊपर को, यहाँ भी टेंशन फोर्स ऊपर को, यहाँ पे टेंशन फोर्स नीचे को, यहाँ पे टेंशन फोर्स नीचे को। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि टेंशन फोर्स रस्सियों में लगती है, इनवर्ड्स लगती है, और अगर और सिंपल भाषा में बोलूँ तो किसी ऑब्जेक्ट से अवे को लगती है, जिधर आपकी फोर्स लग रही है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। और मैंने ये डायग्राम इसलिए बनाई है कि मान लीजिए इस पॉइंट से लेके ये पूरी स्ट्रिंग एक ही है, एक ही मटेरियल की, एक ही थिकनेस की, बीच में कोई टूटी नहीं हुई, एक ही स्ट्रिंग है। तो अगर वन स्ट्रिंग है हमारे पास, अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग है, मैं कह लूँ वन स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग है, तो उसके अंदर सेम टेंशन डेवलप्स एट ईच पॉइंट, उसके हर पॉइंट पे टेंशन फोर्स लगेगी, हर पॉइंट पे टेंशन फोर्स लगेगी और बराबर लगेगी। क्यों? क्योंकि टेंशन फोर्स का रूट कॉज है इंटर पार्टिकल फोर्स, अपोज करती है अप्लाइड फोर्स को, और वो तो हर पार्टिकल के बीच में लग रही है। तो किसी एक रोप में जब टेंशन फोर्स लगती है उसकी डायरेक्शन तो हम इस तरीके से पता कर लेते हैं, बट वो फोर्स पूरी स्ट्रिंग में हर पॉइंट पे लग रही है और बराबर लग रही है जब तक आपकी स्ट्रिंग बदल नहीं जाती। Got it? So, ये टेंशन फोर्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात करते हैं। मान लीजिए आपने किसी ब्लॉक पे टेंशन, आपने किसी ब्लॉक पे फोर्स लगाई और उसमें टेंशन फोर्स बना। अगर मान लीजिए टेंशन फोर्स आपकी लगाई फोर्स के, अप्लाइड फोर्स के बराबर है, इसका मतलब जितना फोर्स आप किसी चीज़ को खींचने में लगा रहे हो, रस्सी उतनी ही फोर्स उसको ना खींचने में लगा रही है, ऐसे केस में ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो अगर वो रेस्ट पे था तो नो मोशन, और यू कैन से नो एक्सेलरेशन, बेसिकली देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। अगर नो मोशन तो तब होगी ना अगर वो रेस्ट पे है, इफ एट रेस्ट देन नो मोशन, देन नो मोशन और नो एक्सेलरेशन। अ
अच्छा, अगर आपकी लगाई फोर्स टेंशन फोर्स से ज़्यादा है, मतलब आपने जो फोर्स लगाई उसके मुकाबले टेंशन फोर्स कम बनी है, तो समझो क्या होगा। आपने अप्लाई फोर्स की, इधर को ध्यान देना, आपका ये ब्लॉक था, आपने रस्सी खींची, फोर्स लगाई इधर को, रस्सी पे लगाई, दिस इज अप्लाइड फोर्स, और रस्सी ने टेंशन फोर्स लगाई ऑपोजिट टी। टेंशन फोर्स के लिए हम सिंबल टी यूज करते हैं, ठीक है। फिर भी आपका ब्लॉक इधर को मूव कर गया, इसका मतलब इस पर नेट फोर्स आपकी डायरेक्शन में लग गई, तो लॉजिक ये बनेगा नेट फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स माइनस टेंशन फोर्स। मान लीजिए इस ब्लॉक का मास m है और ये जिस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है वो है a, या a नेट कह दो, तो इसके नेट फोर्स की वैल्यू होगी मास इनटू नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स माइनस टेंशन फोर्स। दिस इज द लॉजिक। तो पहली बात, टेंशन फोर्स स्ट्रिंग्स में डेवलप होती है, ये तब डेवलप होती है जब आप स्ट्रिंग को खींचने की कोशिश करते हैं, यूजुअली इंटर पार्टिकल फोर्सेस की वजह से ये फोर्स हमेशा इनवर्ड्स लगती है, और जिधर आप अप्लाई करते हो फोर्स को उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में इनवर्ड्स लगती है। एक स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स की वैल्यू सेम होती है, ये हर पॉइंट पे लगती है, क्योंकि इंटर पार्टिकल फोर्स की वजह से ओरिजिन होता है इसका, तो ये हर पॉइंट पे एक्ट करती है। एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगाने पे, जो स्ट्रिंग से आपने किसी रस्सी से किसी ऑब्जेक्ट को खींचना शुरू किया, अगर वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसका एक ही मतलब है कि आपकी लगाई फोर्स टेंशन फोर्स से ज़्यादा है, तभी नेट फोर्स में आपकी फोर्स ने टेंशन फोर्स को ओवरकम कर लिया। और अगर आपके खींचने के बावजूद भी वो नहीं खींची जा रही, तो कहीं ना कहीं टेंशन फोर्स बराबरी कर रही है आपकी फोर्स के, तो इसलिए नेट फोर्स ज़ीरो आ रही है। आई होप आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप आस्किंग क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।